करने वाली हूँ इस तरह का सिंगल कलर का डिजाइन पैटर्न जो आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसे आप लेडीज़ स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, बच्चों के स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, किसी में भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है, किसी भी कलर के ऊन में ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये चाहे डार्क कलर का ऊन हो या फिर लाइट कलर का ऊन हो, किसी में भी आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने 31 फंदे ले रखे हैं, जिसमें से 29 फंदे जो हैं वो डिजाइन के हैं और 2 फंदे जो हैं वो एज स्टिच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फंदे को मैंने एज स्टिच उतार लिया, फंदा पीछे ही रहेगा। 3 फंदों को हम सीधा बना लेंगे, 1 2 3, 3 फंदों को सीधा बना लेंगे। देखिए इस तरह से 3 फंदों को सीधा बनाने के बाद फंदा आगे करेंगे और इन दो एक फंदे को ऐसे टर्न करके लेफ्ट निडिन में ले लेंगे और बैक लूप से, देखिए इस तरह से बैक लूप से हम दोनों फंदों को एक फंदा बना लेंगे। फंदा आगे करेंगे और 1 2, 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे करेंगे, फिर से आगे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फंदा आगे करेंगे और 6 फंदों को हम सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदों को हम बना लेंगे, सीधा बना लेंगे। फंदा आगे करेंगे और फिर से इस फंदे को ऐसे टर्न करने के बाद दोनों फंदों को बैक लूप से हम इस तरह से बुन लेंगे। फंदा आगे करेंगे और 1 2 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फंदा आगे करेंगे और जाली डालते हुए 3 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। एज स्टिच को आप चाहे सीधा बना लें या फिर उल्टा बना लें। सेकंड रो रॉन्ग साइड आ गई है, तो रॉन्ग साइड में हमें क्या करना है, एक फंदे को हमने उतार लिया। अब जिस फंदे, ये 3 फंदे जो हैं जिसे हमने राइट साइड से उल्टा बनाया था, उसे हम रॉन्ग साइड से सीधा बनाएंगे, 1 2 3। देखिए 3 फंदों को सीधा बनाने के बाद फंदा आगे करेंगे और इस तरह से रोल करते हुए एक जाली डालेंगे और 1 2 2 फंदे को देखिए इस तरह से हम बुन लेंगे। फंदा पीछे करेंगे, 2 फंदे जो हैं हमारे सीधे बनेंगे। फंदा आगे करेंगे और 2 फंदा, 1 2 2 फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, फिर से हम यहाँ 6 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदों को सीधा बनाने के बाद फंदा आगे करेंगे, इस तरह से रोल करते हुए एक जाली डालेंगे और 1 2 2 फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। फंदा पीछे करेंगे, फिर से हम 2 फंदों को सीधा बना लेंगे। फंदा आगे, 1 2 2 फंदे को उल्टा और देखिए फिर से हम यहाँ फंदे को आगे ही रहने देंगे और 3 फंदों को हम देखिए इस तरह से सीधा बना लेंगे। ऐसे करके सीधा बनाने के बाद एज स्टिच को आप चाहे उल्टा बनाएं या फिर सीधा बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो पे हम आ गए हैं। थर्ड रो में हमने एज स्टिच उतार लिया। देखिए रॉन्ग साइड से हमने 3 फंदों को सीधा बनाया था और राइट साइड से भी हमें इन 3 फंदों को सीधा ही बनाना है। देखिए सीधा बना लेंगे, अब फंदा आगे करेंगे, हमें किसी भी तरह का कोई फंदों को कम नहीं करना है। अब सीधा कर फिर 3 फंदों को, फंदा आगे ही रहेगा जाली डालते हुए, 1 2 3, 3 फंदों को हमने सीधा बना लेना है, फंदा आगे करना है और 1 2 2 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। फंदा पीछे करेंगे, फिर से हम 3 फंदे, 1 2 3, 3 फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे, फंदा आगे करेंगे और 6 फंदों को सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6
छह फंदों को देखिए हमने सीधा बना लिया, फंदा आगे करेंगे। फिर से हमें क्या करना है, तीन फंदे सीधे बनाने हैं जाली डालते हुए। देखिए यहाँ पे हमने जाली डाला, फंदा आगे करेंगे और देखिए दो फंदे, एक दो, दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, फंदा पीछे करेंगे। फिर से तीन फंदे, एक दो तीन, तीन फंदे हमें सीधे बना लेने हैं, फंदा आगे करेंगे और जाली डालते हुए। देखिए यहाँ पे जाली पड़ गई और तीन फंदों को हमें सीधा बना लेंगे। एज स्टिच को भी हमें सीधा बना लेना है, देखिए इस तरह से। अब देखिए फिर से हम फोर्थ रो रॉन्ग साइड में आ गए हैं। देखिए अब एक फंदे को हमने एज स्टिच उतार लिया, फंदा पीछे कर लेना है। अब देखिए एक दो तीन, तीन फंदों को देखिए ऐसे सीधा बना लेना है, फंदा आगे करेंगे और रोल करेंगे ऐसे आगे की तरफ ले आएंगे। एक जो हम जाली बनी है अभी, अब चार फंदों को देखिए इस तरह से हमें उल्टा बना लेना है, फंदा पीछे करना है। फिर से हम दो फंदों को, एक दो, दो फंदों को देखिए इस तरह से हमें सीधा बना लेना है, फंदा आगे करेंगे। फिर से हम चार फंदों को उल्टा बना लेंगे, देखिए दो तीन चार, चार फंदों को ऐसे उल्टा बनाने के बाद देखिए फंदा हमें आगे ही रहने देना है। अब छह फंदों को हमें सीधा बनाना है, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, छह फंदों को सीधा बनाने के बाद फंदा आगे करेंगे और इस तरह से ऐसे रोल करेंगे। फिर से चार फंदों को उल्टा बना लेंगे जिसमें जाली भी शामिल है। देखिए इस तरह से चार फंदों को उल्टा बना लिया, फंदा पीछे करेंगे। फिर से एक दो, दो फंदों को हमें सीधा बना लेना है, फंदा आगे करेंगे। फिर से चार फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, देखिए चार फंदे हमारे उल्टे बन गए, फंदा आगे ही रहेगा। फिर से हम तीन फंदों को ऐसे करके सीधा बना लेंगे, देखिए फिफ्थ रो रॉन्ग राइट साइड में हम आ गए हैं। एक फंदा एज स्टिच उतार लिया, अब देखिए क्या करना है, तीन फंदों को, एक दो तीन, तीन फंदों को हमने सीधा बना लिया। अब हमें फंदा आगे नहीं करना है, ना ही हमें किसी तरह की जाली डालनी है। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों फंदों को ऐसे करके टर्न कर लेंगे। फिर से लेफ्ट नीडल में लेके बैक लूप से दो फंदों को हम एक साथ बना लेंगे, देखिए फिर से हम एक दो तीन, तीन फंदों को हमने सीधा बना लेना है, फंदा आगे करना है। अब दो फंदों को देखिए इस तरह से उल्टा बना लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, तीन फंदों को, एक दो तीन, तीन फंदों को देखिए हमने सीधा बना लेना है। फिर से आगे की तरफ से ऐसे करके हमें सीधा दो फंदों का एक फंदा बना लेना है, बाकी छह फंदों को हमने सीधा बना लेना है, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे हमारे हो गए। फिर से हमें ऐसे करके टर्न करना है दोनों फंदों को, फिर से एक साथ देखिए ऐसे बुन लेंगे, तीन फंदे सिंपल सीधे बनेंगे, देखिए इस तरह से सीधे बन जाएंगे। फंदा आगे करेंगे और एक दो, दो फंदे जो है हमारे ऐसे उल्टे बनेंगे। फिर से हमें तीन फंदों को, एक दो तीन फंदों को सीधा बनाना है। फिर से दो फंदों का एक फंदा बना लेना है आगे की तरफ से, फिर से तीन फंदे सीधे, देखिए फिफ्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हम सिक्स्थ रो में आ गए हैं। सिक्स रो में क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, एक फंदा एज स्टिच उतार लिया है, फंदा पीछे करेंगे और एक दो तीन, तीन फंदों को हमने सीधा बना लेना है, फंदा अपनी तरफ करना है और एक दो तीन चार, चार फंदों को उल्टा बनाना है, फंदा पीछे। अब दो फंदों को हमने सीधा बना लेना है, देखिए इस तरह से फंदा आगे करेंगे और फिर से चार फंदों को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह ऐसे, फंदा पीछे, छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः, फंदा आगे करेंगे और एक दो तीन
चार, चार फंदों को उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे करेंगे, फिर से एक दो, दो फंदों को सीधा बनाएंगे, फंदा आगे, फिर से एक दो तीन चार, चार फंदों को उल्टा बनाएंगे, फंदा पीछे, फिर से एक दो तीन, तीन फंदों को सीधा। अब एज इट इज को आप चाहें तो सीधा बनाएं या फिर उल्टा बनाएं। सिक्स रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम सेवन्थ रो में आ गए हैं। सेवन्थ रो में राइट साइड हमें एक फंदा एज इट इज उतार लिया, और देखिए तीन फंदों को जो हमेशा सीधे बन रहे हैं उसे सीधा बनाना है। फिर से हमें वही रिपीट स्टार्ट करना है, इस फंदे को ऐसे टर्न करेंगे और दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। देखिए फिर से एक दो, दो फंदों को सीधा, फंदा आगे, फिर से एक दो, दो फंदों को उल्टा, फंदा पीछे, एक दो, दो फंदों को सीधा, फिर से कि आगे की तरफ से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फंदा आगे करेंगे, और सॉरी फंदा पीछे ही रहेगा, छह फंदे जो हमारे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह। देखिए अब एक दो, दो फंदों को ऐसे करके हम बैक लूप से एक फंदा कर लेंगे, फिर से एक दो, दो फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फंदा आगे करेंगे, और एक दो, दो फंदे को उल्टा, फंदा पीछे, एक दो, दो फंदे को सीधा, फिर से इन दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे, फिर से तीन फंदों को हम सीधा बना लेंगे ऐसे करके, एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। एट रो रॉन्ग साइड, एक फंदा एज स्टिच उतार लिया, फंदा पीछे करके, देखिए तीन फंदों को एक दो तीन, फंदा आगे, अब तीन फंदे जो हैं हमारे एक दो तीन, तीन फंदों को उल्टा, फंदा पीछे, एक दो, दो फंदे सीधे, फंदा आगे, फिर से एक दो तीन, तीन फंदे जो हमारे उल्टे, फंदा पीछे, फिर से छह फंदे जो हमारे हैं वो हमारे सीधे बनेंगे। देखिए इस तरह से छह फंदे हमारे सीधे बन गए, फंदा आगे करेंगे, और फिर से एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, फंदा पीछे, अब एक दो, दो फंदे सीधे, फंदा आगे, एक दो तीन, तीन फंदे जो हमारे हैं उल्टे बनेंगे, फंदा पीछे करेंगे, फिर से हम तीन फंदे जो हैं एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, फंदा आगे करेंगे, और एक फंदा एज इट इज उल्टा बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स नाइन्थ रो, नाइन्थ रो राइट साइड में हम आ गए हैं, एक फंदा एज इट इज उतार लिया, अब देखिए तीन फंदे सीधे ऐसे करके, अब इस फंदे को ऐसे टर्न करेंगे दोनों फंदों को, और दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे करेंगे, और देखिए एक दो, दो फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से इन दो फंदों को आगे की तरफ से देखिए ऐसे करके बुन लेंगे, फंदा आगे कर, फंदा पीछे रहेगा, और छह फंदे एक दो तीन चार पाँच और ये छह, छह फंदे जो हैं हमारे सीधे बनेंगे, फिर से इन दो फंदों को टर्न कर लेंगे, फिर से लेफ्ट नीडल में लेके अब इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बना लेंगे, फंदा आगे करेंगे, और एक दो, दो फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, और इन दोनों फंदों को एक साथ बना लेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एज स्टिच को भी हमने सीधा बना लेना है। देखिए
रॉन्ग साइड 10th रो, एक फंदे आज स्टिच उतार लिया। देखिए तीन फंदे जो हमारे हैं सीधे बनेंगे, फंदा आगे करेंगे, फिर से देखिए क्या करेंगे, एक दो, दो फंदे जो हमारे सीधे बनेंगे, फंदा पीछे, अब एक दो, दो फंदे सीधे, फंदा आगे, अब एक दो, दो फंदे जो है हमारे उल्टे, फंदा पीछे, अब देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे हमेशा सीधे बनेंगे बीच के, फिर से फंदा आगे करेंगे और दो फंदे जो है वो हमारे उल्टे बनेंगे, फिर से फंदा पीछे, एक दो, दो फंदे हमारे सीधे, फंदा आगे और एक दो, दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, अब तीन फंदे जो हमारे हैं वो सीधे बनेंगे, एक दो तीन, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा। देखिए ये 10th रो की डिजाइन थी जो कि कंप्लीट हो गई है, और देखिए किस तरह से डिजाइन लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना प्यारा डिजाइन है ये। अब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, अब जब 10th रो कंप्लीट हो जाए तो फिर से इसके ऊपर किस तरह से डिजाइन स्टार्ट करें वो मैं आपको एक सिलाई बता देती हूँ। एक फंदा मैंने उतार लिया, अब देखिए एक दो तीन, तीन फंदे हमने सीधे बना लिए, फंदा आगे करेंगे, अब यहाँ पे जाली डालेंगे। देखिए इसमें क्या है ना कि आगे की तरफ से भी जाली पड़ेगी और पीछे की तरफ से भी जाली पड़ेगी। अभी हमने एक फंदा तो कम कर लिया है, बट इसके बाद जो जो भी बुनाई होगी, जो जालियाँ पड़ेंगी वो जो है उसमें फंदे कम नहीं होंगे, और पांच, जब पांच फंदे हो जाएंगे साइडों में तब हमें कोई किसी प्रकार की कोई जाली नहीं डालनी है। देखिए फंदा आगे करेंगे और ऐसे टर्न करके इन दोनों फंदों को साथ में बुन लेंगे, फंदा आगे करेंगे और दो फंदे देखिए इस तरह से उल्टे, अब इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से यहाँ पे आगे करके अब तीन फंदों को सीधा बनाएंगे। जहाँ से मैंने फर्स्ट रो स्टार्ट किया था वहीं से अब फिर से ऊपर से स्टार्ट होगा। तो देखिए इस तरह का डिजाइन पैटर्न है, उम्मीद करती हूँ को आपको मेरा डिजाइन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।